नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, काली मसूर की दाल, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी काली मसूर की दाल ली है और जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया है। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। अब हमारी दाल 1 कटोरी है तो मैं पानी इसके अंदर 3 कटोरी डाल रही हूँ, ताकि दाल अच्छे से पानी के लेवल में आए। पानी का लेवल दाल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच टर्मरिक हल्दी डाल रही हूँ। अब मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और मैं इसमें 3 या 4 विसल लगवानी है, मीडियम गैस पर हमारी। अब मैंने एक तरफ पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाला है और 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, इनको अच्छे से भूने। अब मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप्ड कर रखा है, उनको डाला है, और 2 ग्रीन चिली, इनको भी अब हमें अच्छे से भूनना है। ये हमें लो मीडियम फ्लेम कर पर 2 मिनट तक भूनना है हमें इनको। मसाला हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दाल में जो स्वाद है वो मसाले का ही है। हमें इस मसाले को जब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रश्ड किया हुआ कोरिएंडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाला है। इसको अच्छे से भूनिए। देखिए मसाला अब हमारा भून गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी जो हमने बॉईल की हुई थी दाल थी उसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसको 2-3 मिनट पर लो मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है, ताकि मसाला जो है वो दाल में अच्छे से मिल जाए। अब हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। अब मैंने एक लो गैस पर एक छोटी सी बॉईल लिया, कटोरी ली है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम दाल को गार्निश करेंगे हरे धनिए से, जो मैंने चॉप्ड किया हुआ है। अब हम इसके अंदर अपना तड़का डालेंगे, जो हमने पहले तैयार किया हुआ है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ।